प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालासेरी में आ रहे हैं भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें प्रकाट्य दिवस पर। इस तरह से यहां पर देखा जा सकता है कितने बड़े स्तर पे तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी का टारगेट है कि करीब 3 लाख भीड़ हम जुटाएं और उसके लिए इतना बड़ा डोम ये बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सर, कितना टारगेट है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री जी 14 से लेकर इस पूरे कालखंड में, उनको बहुत निकट से काम को देखा होगा, तो देश में वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान उनकी प्राथमिकता रहती है और उसी की श्रृंखला में श्री राम जन्मभूमि से लेके काशी विश्वनाथ से लेके महाकाल से लेके विष्णु के अवतार भगवान श्री देवनारायण का 1111वीं ये जन्म जयंती है और उनके धर्म स्थान पर प्रधानमंत्री जी का आना ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और इस लिहाज से ये कोई सियासी कार्यक्रम नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि हर दल के दलगत राजनीति से ऊपर और समाज के सभी तबके के लोग, क्योंकि भगवान जो देवनारायण हैं वो सर्व समाज में आराध्य थे, आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और उनके बारे में बताया जाता है कि गौ संरक्षण का बड़ा काम उन्होंने किया, तो इस लिहाज से पूरे प्रदेश में उनकी एक विशेष स्वीकार्यता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का आगमन ये इस स्थान को भी मुझे लगता है कि महिमामंडन करेगा और आसपास के पूरे क्षेत्र के लोगों में भी एक मनोबल का संचार करेगा। आने वाले समय में इस स्थान की महिमा और ज्यादा हो सकता है संस्कृति मंत्रालय उस पर कोई काम करे। सियासी व्यक्ति हैं, सियासी बातें तो होगी ही, प्रधानमंत्री भी सियासी व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता है कि पिछली बार सभी 9 गुर्जर उम्मीदवार बीजेपी के हार गए थे, इस बार प्रधानमंत्री के आने से समुदाय जुड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी किसी समुदाय विशेष को फोकस करके काम करते नहीं, उनके लिए तो सब समान है। चुनाव की हार जीत वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियाँ, वहाँ के समीकरणों पर निर्भर करती है, इसलिए मैं इसको सिरे से इनकार ही करता हूँ। जो मुझे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व की जितनी जानकारी है, जैसी उनकी सोच है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई राजनीति, किसी कांग्रेस नेता को इनवाइट नहीं किया हुआ नहीं, हमारा कार्यक्रम ही नहीं है ये। यहाँ की जो भगवान देवनारायण के जन्म स्थान की समिति है, उस समिति का कार्यक्रम तो आप ही ले रहे हो, बस आप लोगों के लगे, कार्यकर्ता आप लोगों के लगे हैं। नहीं, देखिए, उसमें आएंगे तो सभी, हमने कोशिश ये की कि इसमें सभी तरीके के लोग आएंगे, पूरे राजस्थान भर के, बहुत जमीनी स्तर के, नीचे पंचायत स्तर तक के लोग आएंगे, मोबिलाइजेशन भी होगा। कोशिश है प्रधानमंत्री जी आए तो एक अच्छी संख्या में प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, पार्टी के लोग आएंगे, उसको लोग किस तरीके से लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्थान के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए सब तरीके के लोग अच्छी संख्या में आएंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बीजेपी कह रही है कि धार्मिक यात्रा है और एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की यात्रा है। सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का किस तरह का कार्यक्रम है कल का और किस तरह की तैयारियां आप लोगों की है? कल प्रधानमंत्री जी मालासेरी डूंगरी, जहां भगवान देव नारायण जी का अवतरण हुआ था 1111 वर्ष पहले, उसके लिए यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें दर्शन करने, नीम का पौधारोपण करने, यज्ञ में विष्णु भगवान का जो यज्ञ हो रहा है उसमें आहुति देने और जनसभा को संबोधित करने कल प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आ रहे हैं तो यहाँ पर इसको डेवलप करने के लिए घोषित करें स्मारक। देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी दर्शन करने और सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री जी किसी जगह पे आते हैं तो उनका निश्चित रूप से प्लान बनता है जी। वो मुख्यमंत्री जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री जी की दृष्टि जो है बहुत आगे तक जाती है, दूरदृष्टि रहती है उनकी। आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद गुर्जर समुदाय बीजेपी से जुड़ेगा? नहीं, इस कार्यक्रम को राजनीति से देखना ही नहीं चाहिए ना। आप लोगों ने कांग्रेस नेताओं को इनवाइट नहीं किया? राजनीति नहीं, समाज का कार्यक्रम है ना, समाज जिसको इनवाइट करे, हम इसमें क्या कर सकते, हम तो खुद ही हमको इनवाइट किया इसलिए आए। कितना का टारगेट है, कितनी भीड़ की? वो तो अब कल पता चलेगा, शानदार प्रोग्राम होगा ऐसा लगता है। पूरी बीजेपी हालांकि लगी हुई है और कहा जा रहा है कि 3000 बसों का इंतजाम किया गया है, मगर बीजेपी इसे
जाति का प्रोग्राम नहीं बनाना चाहती गुजर समुदाय का, इसलिए धार्मिक आयोजन का नाम दे रही है, मगर संदेश छुपा हुआ है। इसलिए बीजेपी जी जान से इसे सफल बनाने में लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के सभी 9 गुजर उम्मीदवार चुनाव हार गए थे सचिन पायलट की आंधी में, और इस बार बीजेपी की कोशिश है कि दूसरे समुदाय इसे एक समुदाय का कार्यक्रम न समझें और वो इससे आहत न हो, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक धार्मिक आयोजन इसे बनाया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लिहाज से यहाँ पर आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो, और कहा जा रहा है कि कल इस इलाके में बीजेपी भीड़ के लिहाज से एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है, ताकि दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में इसकी धमक सुनाई दे। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार।